आज कक्षा अष्टम के विद्यार्थी मतलब कक्षा आज के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 दिखाई दे रहा होगा। ये सरस्वती शिशु मंदिर का पेपर है, अर्थात विद्या भारती से संचालित होने वाले विद्यालयों का, और ऑल इंडिया के सरस्वती शिशु मंदिरों में यही तो पेपर आता है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो कम से कम 70-80% आपका क्वेश्चन पेपर फंसेगा, और यह रामबाण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिए। ये और ये सेट टू होगा, सेट टू का मतलब पूरा होने वाला है, एक दो दिन और चलेगा बस, जल्द जल्द सेट थ्री, सेट फोर, सेट फाइव मिलेगा। आपका भाई पेपर से जो डर है वो दूर हो जाएगा, पूरी किताब आपकी तैयार हो जाएगी। यदि आप पुरातन छात्र हैं तो अधिक से अधिक शेयर करिए, नवीन छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ये निर्देश है, सब नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी लिखा गया है। सीधे प्रश्न पर आते हैं, इसमें अंग्रेजी हिंदी में लिखा गया है, अंग्रेजी वाला इंग्लिश मीडियम के बच्चे करेंगे, हिंदी में जो लिखा गया है यूपी के आल बच्चे, ऑल इंडिया भारत के यूपी मीडियम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। इनमें से किस फसल की खेती सर्दी के मौसम में की जाती है, देख रहे हैं चार विकल्प है। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, देख रहे हैं पूरा दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है, दो विकल्प यहाँ है, पेपर पलट रहे हैं। अब दो पेपर आपको यहाँ पर दो विकल्प मिल जाएंगे, दिखाई दे रहा होगा। अगला है क्या है भाई, अगला कह रहा है जी ब्रेड मोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कहने का मतलब है देख रहे हैं किसका उदाहरण है, जीवाणु कवक वायरस शैवाल रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, विकल्प दिया गया है। छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा तारकोल से प्राप्त होता है। अगला है सातवां, निम्नलिखित से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, देख रहे हैं चार विकल्प हैं। अगला है सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है, देख रहे हैं। फिर नौवा क्वेश्चन इंग्लिश में यहाँ है, इधर आइए, आपको दिखाई दे रहा है हिंदी मीडियम का, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। दसवां क्वेश्चन है, जंगल में पेड़ क्यों काटे जाते हैं, देख रहे हैं ना विकल्प दिखाई दे रहा होगा। पर्यावरण में वह स्थान जहाँ कोई जीव रहता है उसे, अगला देखिए बारहवां, इसमें भरना है, पहला भर करके तब पूरा करना है, चार विकल्प दिया गया है। के कारण कुछ जानवरों को जीवित रहना कठिन हो गया है। अभयारण्य एक ऐसा स्थान है जहां, अभयारण्य एक ऐसा स्थान है जहां, चार विकल्प दिए गए हैं उनमें से करना है। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं, देख रहे हैं ना चार विकल्प है। अगला अब देखते हैं, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप लोग से लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अधिक से अधिक शेयर करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे, देख रहे हैं ना। हाँ देख रहे हैं ना, अब है मादा में अंडाणु कहाँ बनता है, देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नर एवं मादा युग्मकों का संलयन कहाँ होता है, देख रहे हैं ना। फिर है निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका क्या कहलाती है, देख रहे हैं ना। प्रजनन अंगों की परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, कहा जाता है क्या, देखिए। फिर इसमें से कौन सा पेयर आप क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल्स, इसमें से टिक करना है। हिंदी में निम्नलिखित कौन एक व्यक्ति के विकास को नियंत्रित करता है, देख रहे हैं ना पूरा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 20 हो गया, 21 क्वेश्चन देखिए सेक्शन बी का, खरीफ और रबी फसलों के बीच अंतर बताइए, देख रहे हैं ना। अगला है फसलों की कटाई के क्या आशय है, प्राकृतिक गैस एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन क्यों है, पेट्रोलियम से के कोई दो उपयोग बताइए। फिर देखिए, यदि बिजली के उपकरण में आग लगी हो तो पानी का उपयोग करने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है। अगला है प्रजनन को परिभाषित करें, प्रजनन की दो विधियां क्या हैं। अगला सी सेक्शन है, एंटीबॉडी क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, खत्म होने वाले और कभी न खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के बीच अंतर बताइए। वन उन्मूलन क्या है, निषेचन क्या है, किशोरावस्था को परिभाषित करें,
द्वितीयक यौन लक्षण क्या हैं? देखें ना, खाद एवं उर्वरक में अंतर बताइए। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स लेते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देख रहे हैं ना, आगे देखते हैं, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पेपर को स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। शेयर अधिक से अधिक शेयर करिए। संचारी रोग क्या है, कुछ उदाहरण दीजिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, तीनों आपका दायित्व बनता है। आंतरिक एवं बाह्य निषेचन से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। पिट्यूटरी ग्रंथ क्या है, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम बताइए। एक आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। ये मैच करना है, देख रहे ना, जीवाणु और राइजोबियम, लैक्टोसीलम, ईस्ट, एक प्रोटोजोआ, इस तरफ उसके दिए गए हैं, क्रम से नहीं है, मिलाना है। फिर अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित सत्य या असत्य हैं। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। नंबर दो पे है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण ईंधन है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। देख रहे हैं ना, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।